आजकल सब कुछ हमें बड़ा चाहिए। कृपया करके दिमाग कहीं और ना लगाइए, मेरा मतलब है चाहे लैपटॉप हो, गाड़ी हो या फिर फोन हो। और इस बात को बाखूबी इन्फिनिक्स ने बहुत अच्छे समझ लिया है बॉस। और देखो इस लैपटॉप को यार, कहां से लग रहा है कि ये लैपटॉप 30,000 के प्राइस रेंज में आएगा, क्योंकि यार 15.6 इंच की डिस्प्ले है, वो भी एंटी ग्लेयर के साथ, मेटल बॉडी है, साथ ही साथ बड़ा ट्रैक पैड है, कीपैड में बैकलिंक दे दिया गया है। बॉस इतना कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 के प्राइस रेंज में मिल रहा है। तो गाइस बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लैपटॉप खरीदना चाहिए, और साथ साथ अगर ये लैपटॉप नहीं तो कौन सा भाई। और आप मुझे पता है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा आफ्टर सेल सर्विस का क्या, सॉफ्टवेयर सपोर्ट का क्या, सारा जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। शुरू करते हैं डिजाइन से। तो अगर कम पैसा खर्च करके बॉस भौकाल पूरा एकदम टाइट चाहिए ना, तो बॉस बिल्कुल सही बैठा है ये लैपटॉप वहां पे। मेटल बॉडी है जिसका क्वालिटी बढ़िया है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉस दो बार मेरे हाथों से ये लैपटॉप फ्लिप हो चुका है और उसके बाद भी एक भी स्क्रैच नहीं आया है। ट्रस्ट मी, मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉस ये वीडियो ना देखे वरना मेरे पे स्क्रैच लगने वाले हैं। गाइस वेट थोड़ा हैवी साइड पे है लेकिन साइज भी बड़ा है, और एंट्री लेवल पे इससे ज्यादा उम्मीद करना ठीक भी नहीं है। इनफैक्ट वैसे मैं बता दूं कि इसको लेके ट्रैवल करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन दिमाग में एक चीज जरूर याद रखना बॉस कि 1.80 केजी का ये लैपटॉप है, जो कि थोड़ा भारी तो है। बाकी ट्रैक पैड अच्छा खासा बड़ा है, वहां स्क्रॉलिंग या ट्रैकिंग में कोई इशू नहीं होता है, प्लस कीबोर्ड भी बढ़िया है। लेकिन जो शट बटन है ना बॉस, उसको मुझे पता नहीं क्यों एंटमैन वाला जो छोटा साइज होता है ना, उसको वो वाला डाल दिया गया है, जो कि मुझे बहुत दिक्कत हुआ है यूज करने में। लेकिन एक दो दिन के बाद मैं यूज टू हो गया था, तो बट यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है यार, शिफ्ट की कौन इतना छोटू वो भी साइड में करता है, और वो भी एरो की के बगल में। थोड़ा सा काम कर लो भाई। इनफैक्ट इस प्राइस पे कीबोर्ड में बैकलिट मिल रहा है, और ये एक एडिट एडवांटेज है बॉस, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको मोस्टली लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये फर्स्ट इन द सेगमेंट है 30,000 के रेंज में जिसमें बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है। वेबकैम ऊपर की तरफ प्लेस किया गया है, जो कि ठीक है, मतलब क्वालिटी भी डिसेंट है, वहां बहुत ज्यादा की उम्मीद भी ना करें। लेकिन हाँ, जो मिसिंग पॉइंट है वो ये है बॉस कि हम लोग 2023 में है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर ऐसी हमारी लगी पड़ी है, और उसके बाद भी यहाँ पे कैमरा शील्ड नहीं दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा मिस है। राइट साइड में एक एसडी कार्ड स्लॉट है, टाइप सी पोर्ट है, 3.5mm जैक है और यूएसबी 3.0 पोर्ट है। वहीं लेफ्ट साइड में एक और टाइप सी पोर्ट है जिससे ये लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो, और उसके साइड में ही एक और यूएसबी 3.0 का पोर्ट है, उसके साइड में ही एक एचडीएमआई पोर्ट है। बस एक लैंड पोर्ट और दे देते बॉस तो मजा आ जाता, लेकिन नहीं है। बट हाँ ठीक है, 100 रुपए खर्च करके खरीदा जा सकता है, बट अगेन इसका डिजाइन इतना भी स्लीक नहीं है कि आप लैंड पोर्ट इसमें फिट नहीं कर सकते थे। बाकी ओवरऑल डिजाइन बढ़िया है, मुझे बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है बॉस, और शिकायत भी करूं क्या यार, 30,000 के प्राइस रेंज में इस लैपटॉप को देखने के बॉस डिजाइन को लेकर मैं ज्यादा शिकायत नहीं कर सकता। लेकिन हां, कीबोर्ड के लेकर मेरी शिकायत है बॉस कि शिफ्ट की अगली बार थोड़ा बड़ा कर देना। 15.6 इंच की IPS डिस्प्ले है, वो भी एंटी ग्लेयर के साथ। वहीं अगर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो 260 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, और व्यूइंग एंगल जो है वो 178 डिग्री है। क्या रिस्पेक्ट्स को तो मैंने आपको बता दिया, करते हैं इसको साइड और आते हैं प्रैक्टिकलिटी में कि डे टू डे लाइफ में ये कैसा परफॉर्म करता है। तो मेरे यूज में मैंने दबा के कंटेंट कंज्यूम किया था इस लैपटॉप में, ट्रस्ट मी मुझे बहुत ज्यादा कुछ शिकायत नहीं है इससे, खासकर इस प्राइस को देखते हुए, क्योंकि डिसेंट साउंड आउटपुट है, प्लस कलर्स भी विविड आते हैं इसके डिस्प्ले में। आउटडोर में भी मैंने इस लैपटॉप को यूज किया था, मैं बोलूं कि कुछ टाइम मैंने स्क्रिप्ट भी किया था, वहां पे भी मुझे ऐसा कोई बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप बहुत ही ज्यादा ब्राइट सनलाइट में बैठ के काम करना चाहोगे तो बॉस वहां पे यार इसका डिस्प्ले थोड़ा सा स्ट्रगल तो करता है, थोड़ा सा और ऐसा लगता है कि बॉस ब्राइटनेस और बढ़ जाती तो मजा आ जाता, लेकिन हाँ दिक्कत आपको वहां पे भी नहीं होने वाला है। कुल मिला के मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मेरा इस लैपटॉप के साथ बहुत सही रहा है बॉस, मैं कुछ शिकायत नहीं करूंगा, खासकर इस प्राइस रेंज में। दो स्पीकर मिल रहे हैं आपको और डिस्प्ले पे कलर्स भी अच्छे आते हैं, ओवरऑल जो मैं बोलूं पैकेज है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। इस लैपटॉप में इंटेल कोर i3-111 5G4 का प्रोसेसर है। वहीं अगर मैं इसके स्टोरेज की बात करूं तो 512GB का SSD स्टोरेज है इसमें। अगर रैम की बात करूं तो 8GB का रैम इसमें दिया गया है, और ये चलता है विंडोज 11 पे। तो गाइस मोटा मोटा मैंने आपको जो इसका पूरा स्पेक्स है वो बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा बेंचमार्क्स पे, क्योंकि वहीं से ना इस लैपटॉप का हमें और बेटर आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। एंटीटू स्कोर देखें तो एंट्री लेवल लैपटॉप के हिसाब से ठीक स्कोर है, ऑफ कोर्स डेडिकेटेड GPU नहीं है, और गेमिंग वगैरह कोई लेकर ज्यादा उम्मीद मत रखना वरना दिल टूट जाएगा आपका, सच बता रहा हूँ बॉस, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया अगर आप गेमिंग इसमें करने की सोच रहे हो तो। सिनेमैजिक स्कोर पे भी नजर मारे तो सिंगल कोर स्कोर एक्चुअली ठीक है, मतलब बेसिक टास्क ठीक से ये रन करने की क्षमता रखता है, पर
और इस ड्यूअल कोर प्रोसेसर से हैवी टास्क को लेके मैं फिर से कहूंगा कि उम्मीदें ज्यादा मत रखना, वरना भाई छन से जो टूटा वो सपना वाला गाना है ना, वो आपके दिमाग में चलने वाला है। सरप्राइजिंगली एसएसडी डिसेंट क्वालिटी की यूज करी है फॉर एंट्री लेवल मशीन। स्कोर्स मेरे हिसाब से सही है, तो कॉपी पेस्ट या फिर मैं बोलूं फाइल ट्रांसफर करने में ऐसे बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। इनफैक्ट दिक्कत ही नहीं आने वाला है यार। अब ठीक है ना, i3 और प्राइस के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो बॉस फटाफट आपका काम निपटा देगा। खैर, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, बेंचमार्क नंबर से हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर बेंचमार्क से नंबर अच्छे आ रहे हैं तो फिर परफॉर्मेंस भी बहुत ही टॉप नॉच मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि बेंचमार्क एकदम यहां था और परफॉर्मेंस यहां पे। तो ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी बात करते हैं। मल्टीटास्किंग को ये लैपटॉप काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। आई मीन बहुत ज्यादा लोड अगर नहीं डालोगे ना बॉस, तो ये लैपटॉप बहुत सही से चलेगा, लेकिन जहां आपने इस पे लोड डाला बॉस ये रोना शुरू कर देगा। ठीक है, गेमिंग करने की कोशिश किया था मैंने, बस वो कोशिश ही रह गया क्योंकि बॉस हो नहीं पाया। और सच बताऊं तो गेमिंग वेमिंग के लिए ये लैपटॉप है ही नहीं यार। हाँ, अगर आप नॉर्मल लाइट गेम खेलना चाहते हो, S8 जो आते हैं एंड्रॉइड के लिए, वो इसमें चलाना चाहते हो, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, वो इजीली आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि असैसिन क्रीड जैसे गेम, या फिर मैं बोलूँ वैलोरेंट या GTA टाइप खेलने की सोच रहे हो, मत सोचो। मतलब यहीं पे दिल को बस मार दो भाई, बस खत्म कर दो अपने दिल को, बोल दो भाई कि मुझे और पैसा खर्च नहीं करना है। ठीक है, ओवरऑल ये लैपटॉप खासकर उन लोगों के लिए सही रहने वाला है जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको भैया एडिटिंग वेडिटिंग या बहुत हैवी टास्क नहीं करना है। नॉर्मल जो काम होता है लैपटॉप में, जैसे कि नोट्स लेना या फिर ब्राउजिंग करना, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस लेना, वो सब आप इससे बहुत इजीली कर पाओगे। वहां पे ये लैपटॉप आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो कि मुझे गेमिंग करना है और फिर मुझे हैवी लोड हैवी टास्क रन करने हैं इस पे, तो बॉस वो नहीं हो पाएगा यार। 50 वाट की बैटरी इसमें दी गई है, जिसने मेरा साथ पूरा पूरी 5.5 घंटे निकाला था, वो भी जब मैंने YouTube पे वीडियो देखा था, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा वीडियो देखा था मैंने, 60% ब्राइटनेस पे रखा हुआ था, बाकी वीडियो कॉल्स लिए थे, कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था, साथ साथ मैं थोड़े बहुत अपने स्क्रिप्ट भी इस पे कर रहा था। तो कुल मिला के ओवरऑल जो मेरा बैटरी टाइम निकला था वो 5.5 घंटे का था। अगेन मैं बोलूंगा कि यार ठीक है, और बेटर किया जा सकता था, लेकिन जो बेस्ट चीज़ है वो ये है बॉस की ये लैपटॉप 0 to 100 ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट में चार्ज कर देता है, जो कि कहीं से बुरा नहीं है। और बेस्ट पार्ट ये है कि चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है, और जो केबल है ना वो थोड़ा मुझे चीप क्वालिटी का लगा है यार। पिछली बार भी मैंने जब X1 Slim यूज किया था तो ही मैंने बोला था यार कि इसका जो क्वालिटी है ना वो थोड़ा सा मुझे हल्का लगता है केबल का। बाकी अडैप्टर बहुत सही है, अडैप्टर से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन केबल अगली बार थोड़ा अच्छा कर देना। बाकी चार्जिंग स्पीड भी अच्छा है लैपटॉप का, ऑप्टिमाइज थोड़ा सा और बेटर कर देते तो मजा आ जाता है यार, क्योंकि 5.5 घंटा इस चिल मतलब i3 के लिए थोड़ा सा कम है बैकअप। तो आते हैं वर्डिट पे। तो देखो यार, अगर आप कम पैसे में बढ़िया सामान ढूंढ रहे हो, और या फिर मैं बोलूं कि अगर आपका जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है या ज़्यादा लोड टास्क आप नहीं करते हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत सही रहने वाला है गाइस, मैं सच बता रहा हूँ। और टाइम बाय टाइम इसका जो सर्विस है वो भी इंप्रूव हुआ है इन्फिनिक्स के साइड से। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि 2-3 महीने पहले मेरे एक दोस्त ने इन्फिनिक्स का लैपटॉप खरीदा था, और उसको ना हीटिंग इशू फेस हुआ था, उसने मतलब किया था अपने लैपटॉप के साथ, तो वो सर्विस सेंटर गया था, इंटरेस्ट में गाइस 2 घंटे में उसको लैपटॉप सही करके दे दिया गया था। इनफैक्ट जो बाद में भी उनको फॉलो अप लिया गया था, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि कोई झोल नहीं है वहाँ पे भी। बाकी फाइबर रेट करता है इस लैपटॉप को 10 में से 8, एंड ट्रस्ट मी गाइस वर्थ है लैपटॉप। और बाकी अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख दो, भर दो, जो करना है कर दो, बस जाते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाते।